बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फॉर्म भरने की काफ़ी ज़्यादा जो है चिंता लगी हुई है। तो हमने खोल दी है इग्नू की वेबसाइट और मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताती हूँ कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म जो है आपको कैसे भरना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है 2020 में जून में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप लोग जो है जिनका फ्रेश एडमिशन हुआ है यानी कि जिन्होंने BDP या फिर किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लिया है 2020 जनवरी में, तो वो एलिजिबल हैं। वो जून में जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो तैयारी करना शुरू कर दें और वो जो है अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो है फीस जो है वो फीस होगी, अब पहले 120 रुपये थी पर सब्जेक्ट की फ़ीस, ठीक है, लेकिन अब जो है वो फीस जो है बढ़कर 150 रुपीज़ हो चुकी है। तो 150 रुपये आपको पर सब्जेक्ट फ़ीस भरनी। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो आप 150 × 5 करके देख सकते हैं कितना आएगा। वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो या फिर आप अपना फॉर्म जो है मैनुअली भी भर सकते हो, ऑनलाइन भी भर सकते हो। और इसमें जो BCA वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं जून में, यानी कि जिनका 6 सेमेस्टर वाला सिस्टम है वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं और जो है वो पेपर देने के लिए एलिजिबल है जून 2020 में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसमें जो है सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट अपना पेपर दे पाएंगे जून में और जिनका फ्रेश एडमिशन हुआ है वो भी पेपर दे पाएंगे। और स्टूडेंट से आपको मैंने फीस के बारे में बता दिया है, लेकिन अब बात आती है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब भरा जाएगा। तो मैं आपको अभी क्लियरली बता दूं कि अभी देखिए ये जो है मार्च 1 तारीख यानी आज 1 तारीख है, तो इस बार जो है आपके जो फॉर्म्स अवेलेबल होंगे पोर्टल पे यानी ignoo.ac.in यानी इसके वेबसाइट पर जो अवेलेबल होंगे उसका जो नोटिफिकेशन होगा, फॉर्म उसमें अपलोड होगा, वो होगा आपका 10 तारीख के आसपास, ठीक है। तो मार्च 10 तारीख 2020 तक आपको वेट करना है। और आप सबका जो है रिज़ल्ट आ चुका है अभी दिसंबर में, जिन बच्चों का रिज़ल्ट आया है वो भी जून में, अगर आपकी बैक आ गई है यानी कि आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए हो, ठीक है, तो फेल हो गए हो तो वो एग्ज़ाम आप जून 2020 में दे सकते हो। तो जून 2020 में जो आपको एग्ज़ाम देना है एक या दो सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो इजीली। और इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और जैसे ही फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इंटीमेट करने वाली हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे ही फॉर्म आए वैसे ही आपको पता चल जाए और आप एग्ज़ामिनेशन फीस सबमिट कर दे। फॉर्म को कैसे भरना है उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी मैं और आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपको जो है फॉर्म को भरना है और कैसे सबमिट करना है। तो मैंने आपको बताया कि 10 तारीख तक आपको जो है आपका जो फॉर्म है वो अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो आप जो है एग्ज़ाम की अपनी तैयारी कीजिए और 10 ईयर्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन मार्च आपका जून में एग्ज़ाम है। और इसके अलावा आपका जो फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट होगी वो अप्रैल तक चलेगी, ठीक है, अप्रैल 1 वीक तक आई थिंक चलेगी। और उसके बाद हो सकता है मे बी इग्नू में डेट भी एक्सटेंड हो जाती है, बट आप ऐसा ना करें क्योंकि उसमें कुछ पेनल्टीज़ लगती हैं। आप अपना टाइम पे फॉर्म भर दें क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम देना है, अगर आपकी तैयारी है तो आप उस फॉर्म को समय पर भर दें ताकि आपका जो है काम पूरा हो जाए और बाद में सर्वर डाउन होता है वेबसाइट का वो प्रॉब्लम भी आपको फेस ना करनी पड़े। तो कुल मिला के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, इग्नू की जो डेट शीट है, ये सब चीज़ें जो है ये सब आपको इस चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी बिल्कुल समय पर। तो आप स्टूडेंट्स प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँ इग्नू के रिगार्डिंग। कोई भी न्यू अलर्ट आता है, कोई भी अनाउंसमेंट होता है इग्नू में तो मैं आपको बता दूंगी। इसी के साथ ही कहना चाहूँगी अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी एग्ज़ाम फॉर्म्स को लेके वो मैंने आपके साथ शेयर की। और
इसी के साथ ही कहना चाहूँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.